गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं गृह प्रवेश का ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो मैं अभी बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि पहले भी मैं आप सबको दिखाई थी जब मेरा फ्लैट बन रहा था तो मैं उसका वीडियो डाली थी। तो यहाँ पे आज गृह प्रवेश का दिन है, सुबह सुबह तैयार होके। और जो जिस घर में मैं रहती हूँ वो मेरा घर है, तो मतलब वहाँ से उस घर से मैं निकल के और यहाँ मैं जिस घर में अभी पूजा करना है, न्यू घर जो, उस घर में जा रही हूँ। सब लोग साथ में हैं, दीदी और मम्मी लोग सब लोग साथ में हैं क्योंकि तैयार होके अच्छे से और वहाँ पे पूरा तैयारी हो गया है उस घर में। और उसके बाद ना सब न्यू ड्रेस पहनते हैं। आप सबको पता ही कि है कोई भी पूजा में हम लोग के यहाँ न्यू ड्रेस, न्यू ज्वेलरी वगैरह सब पूरा पहना जाता है। तो बस ये सब फाइनली हम लोग यहाँ घर पहुँचने वाले हैं, जिस घर को लिए हुए हैं। ये फ्लैट है मेरा, 3 BHK फ्लैट है। तो ये मतलब कि बहुत दिन से जब से बन रहा था तो मैं 2-3 बार वीडियो डाली हूँ इसका, किस तरह से बनवाई हूँ, खुद से बनवाया हुआ है मतलब कि। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर से काम किया हुआ है, हर जगह कराया गया है। और सब ये सब जो है ना मेरे हस्बैंड कराए हैं खुद से। तो यहाँ पे जैसे अंदर प्रवेश किए, जैसे गेट के पास जैसे हम लोग इंटर किए हैं, तो ये हॉल है। हॉल का देख सकते हैं कितना अच्छा, हॉल के पास में इंटीरियर का काम कितना अच्छा से किया हुआ है। और ये बालकनी है हॉल से अटैच। तो ये यहाँ पे मैं शूट नहीं की हूँ, कोई किसी ने वीडियो शूट किया था गृह प्रवेश के दिन ही जब पूजा वगैरह हो गया था। तो वो वीडियो में मेरे पास था, तो मैं सोची आप लोगों को थोड़ा सा इसका झलक दिखा दूँ अपने घर का, क्योंकि इसमें पूजा वगैरह कैसे हुआ है वो सब का वीडियो है। और बहुत लंबा वीडियो तो कर नहीं सकती हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम जिसमें देखिए अभी आए हैं। तो ये पूरा काम किया हुआ है, पूरा बहुत सुंदर से काम करवाए हैं। और ये सब कुछ मेरे हस्बैंड करवाए हैं खुद से, मतलब कि सामने रह रह के। और ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल है कितना सुंदर बनवाए हैं, कबर्ड के साथ में ही बनवाए हैं एकदम से। मतलब कैसे क्या कलर किया, कैसे सब कुछ पूरा एकदम सेलेक्ट किए हैं जैसे मैच होना चाहिए। तो बेडरूम से निकल के फिर हॉल में आ गए। और ये देखिए हॉल के पास बेसिन वगैरह के पास कितना अच्छा टाइल्स का काम करवाए हैं। इसके बाद ये दूसरा बेडरूम, दूसरा रूम है जिसमें हम लोग पूजा किए हैं गृह प्रवेश का। तो ये पूजा करने के बाद का वीडियो है। तो ये देख सकते हैं कि जस्ट पूजा हुआ है यहाँ पे, सब पूरा पूजा का सामान वगैरह, 5 चौकी पे पूजा होता है, बहुत विधि विधान से पूजा होता है ना गृह प्रवेश का। तो बहुत सारा सामान लगता है, पंडित जी से कराते हैं। और ये किचन है, तो किचन में भी देखिए कितना सुंदर काम कराया गया है, कबर्ड वगैरह बनाया गया है। और किचन में ये नया चूल्हा है क्योंकि हम लोग में पूजा करते हैं चूल्हे का। तो 4 बर्नर वाला जो होता है ना वो मैं ले ली थी एक ही बार, कि चलो 3 बर्नर का था, 2 बर्नर का ही मेरे पास था, तो 4 बर्नर का न्यू चूल्हा हो जाएगा। तो देखिए किचन से लगे हुए ये बालकनी है, मतलब कि ये दूसरा बालकनी में आप आ गए हैं, किचन से अटैच बालकनी। यहाँ पर बेसिन वगैरह सब लगवाए हैं। और यहाँ से डायरेक्ट जो रोड है वो देखिए दिख रहा था। इसके बाद फिर से उधर से हम लोग हॉल में आ गए हैं बालकनी होते हुए, किचन से एक किचन है यहाँ पे, यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह लगाने का जगह है अच्छा सा। इसके बाद देखिए यहाँ से आ गए हैं, ये तीसरा रूम है जो कि मेरा बेटा का है, चीकू का है। तो अभी यहाँ पे कोई सामान, तो पुराना सामान हम लोग नहीं ला सकते हैं, जो नया होता है बस उसी को रख सकते हैं। तो जब चीकू का रूम बन रहा है तो यहाँ पे जो लकड़ी का काम हो रहा था, तो इसी के साथ में अटैच देखिए ये दीवान बनवाए हैं और ये टेबल बनवाए हैं चीकू का, कबर्ड के मैचिंग हो। मतलब ये जो टेबल है स्टडी टेबल बगल में है, वो ना जब पढ़ना है तो खोल लेता है, बाकी देखिए दीवार में पूरा सटा हुआ रहता है। ऐसे बहुत ही सुंदर से बारीकी से बनवाए हैं। और ये किचन जो चीकू का रूम है उसी से अटैच वाशरूम है, तो सब का कलर एक जैसा है, जैसे कबर्ड है वैसे वाशरूम है। मतलब हर चीज़ का जो है ना एकदम ध्यान देते हुए बहुत ही बारीकी से बनाया गया है इसे। फिर यहाँ देखिए चीकू के रूम से निकल के हॉल में आ गए हैं। और ये हॉल से अटैच जो बाथरूम है, यहाँ पे भी देखिए लकड़ी का इंटीरियर काम वगैरह किया हुआ है। मतलब सब जगह कबर्ड वगैरह बनवा दिए ताकि कहीं भी सामान वामान रखने में कोई दिक्कत ना आए। तो बस ये देखिए हॉल से जो अटैच बाथरूम है ये है, तो ये मेरा बेडरूम से मैच करता हुआ बनाया है। मतलब जो जैसा होना चाहिए जहाँ पर उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो ये देखिए कितना सुंदर लगा, आप सबको देखे होंगे। और ये यहाँ पे पूजा का तैयारी चल रहा था, तो ये देखिए यहाँ पे मेरी ननद लोग हैं जो सब पत्ता, आम का पत्ता बहुत ज़रूरत पड़ता है ना, आम के पत्ता का, तो पत्ता वगैरह तोड़ रही हैं कलश में डालने के लिए। पंडित जी भी तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूजा का तैयारी हो गया था तभी का वीडियो है। तो जैसे हम उस घर से आए हैं ना उसके बाद का है,
तो ये देखिए मैं यहाँ पे रेडी होके तैयार थी, क्योंकि अभी हम लोग कलश लेकर के मंदिर जाएंगे। और मेरी दीदी भी देखिए यहाँ पे फूल पत्ता सब तोड़ रही है, अरेंज कर रही है फटाफट से। मेरे हस्बैंड भी यहाँ देख सकते हैं, वो भी नहा धोवा के आ गए हैं, तैयार हुए, सब लोग साथ में ही आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकलेंगे, कलश लेके मंदिर जाएंगे और उसके बाद मंदिर से पूजा करते हुए आएंगे, कलश से पानी भर के फिर गृह प्रवेश होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी बहन है ना, वो मेरे हस्बैंड को अलता वगैरह लगा रही है, क्योंकि पूजा से पहले अलता शुभ माना जाता है। आप सबको पता ही है कि कोई भी पूजा से सब हस्बैंड वाइफ जैसे हम लोग कलर लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, ये महावर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अलता वगैरह लग चुका और अब हम लोग निकल गए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मंदिर करने के लिए। आप लोग मस्त आ रहे और ये पंडित जी। पंडित जी देखो ये बच्चा बहुत बदमाश है, बदमाशी करते थे, भंग मारते रहते हैं। ये मौसी दादी लोग आ रही हैं। देखो इधर वीडियो बना रहे बाल पर बाल ही है तब इसको उठाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और सारे लोग हैं, क्योंकि पूजा में बहुत टाइम लगता है। मतलब सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है ना, सो शाम 4-5 बजे तक पूजा चलते रहता है, क्योंकि मंदिर का पूजा, घर का पूजा, फिर गृह प्रवेश, फिर चूल्हे का पूजा, फिर पूजी, आरती, हवन, बहुत कुछ होता है, सत्यनारायण कथा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा चलते रहता है ये पूजा। और उसमें भी बहुत सारा जैसे कि वस्त्र दान करते हैं, 3-3 सेट तो सब खरीदाया है पूरा, साड़ी, धोती, पेटीकोट, गंजी, गमछा, कुर्ता, और फिर पूरा पीतल का बर्तन वगैरह होता है, दान होता है, सब जो लगा हुआ था। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम लोग किचन में जो चूल्हे का पूजा होता है, चूल्हे का पूजन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूजा होता है, उसके बाद चूल्हा पूजा होता है। तो यहाँ पे किचन में आ रहे हैं, ये गैस वैस यहाँ पे ला के रखा हुआ है, और उसके बाद फिर होता है पाव पूजी, और भी बहुत सारा पूजा होता है। आप सबको बता चुकी हूँ कि बहुत तरीके का अलग अलग पूजा होता है, और हम लोग में बहुत लंबा चलता है ये पूजा। तो बस यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर से सजाया गया है पूजा रूम, और कितना हजार 5 चौकी पे पूरा एकदम सजा धजा के पूजा करते हैं, दिल से, आत्मा से, खुशी के लिए, तरक्की के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिर हवन वगैरह होता है, तुलसी पूजा होता है, तो इस तरह से ये गृह प्रवेश का पूजा होता है। फिर बाप रे, अरे बाप, मेरा सोना बाबू मेरा, अरे हल्दी लगा दिया क्या, चल गया सब, चल गया, आया पूछे आ रहा था। और यहाँ पे देखिए अभी पार्टी के लिए शाम के तैयार हो रहे हैं, मैं धोती हैं, तो इस तरह से वीडियो है और आगे शेयर करती हूँ वीडियो आप सब।